नमस्कार, स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु सुचरिता। मोदी सरनेम मामलारे सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को आश्वस्ति देछंती। ए मामलारे एहारो राय देबा बळे सुप्रीम कोर्ट राहुल को दंडादेश उपरे रोक लगाइछंती। सुप्रीम कोर्ट को राय सुनिबा परे कांग्रेस कहिछि एहा हेउछि घृणा विरोध रे प्रेमर विजय। दंडादेश उपरे रहितादेश लागिला परे राहुल को सांसद पद फेरिबा सह से आसंता निर्वाचन लढ़ी पारिबे बोली आशा करा जाउछि। तेब राहुल को यह मामलें अनेक संघर्ष करने को पड़ी। सांसद पद जावासह सरकारी घर को भी छड़ाई नियागला। यहपर अनेक समस्या सम्मुखीन होती राहुल। तेब मामलें पूरा 134 दिन आईन सह लड़ाक पड़ी। 2019 लोकसभा निर्वाचन समय राहुल गांधी कर्णाटक एक रैली रे मोदी सरनेम संपर्क एक बृति देते। एक बृति को नहीं बीजेपी विधायक पुनेश मोदी राहुल को विरोध में मानहानि मामला दायर करते। 4 वर्ष पर मार्च 23 सूरत निम्न अदालत रे राहुल को दोषी सब्यस्त कर 2 वर्ष कारादंड आदेश दिया जाइथिला। आउ सेही दंडादेश उपरे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रोक लगाइछंती। एही निष्पत्ति सहित राहुल गांधी संसद सदस्यता मध्य पुनरुद्धार हेबो। वर्तमान 134 दिन पर सुप्रीम कोर्ट एही मामलारे राहुल गांधी दंड उपरे रोक लगाइछंती। तेबे एही 134 दिन भितर राहुल गांधी आउ 2 कोर्ट को जाइथिले, तथापि से आश्वस्ति पाई नथिले। 13 एप्रिल 2019 कर्णाटक कोलार एक निर्वाचन रैली रे राहुल गांधी कहते जे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी को उपनाम काहीं गोटे प्रकार आउ समस्त चोरों सरनेम मोदी काहीं। राहुल को एही बिबृति रे बीजेपी विधायक तथा पूर्वतन मंत्री पुनेश मोदी तांको विरोध रे धारा 499 और 500 अनुजाई अपराधिक मानहानि मकदमा दायर करथिले। से अभियोग करथिले जे राहुल 2019 एक निर्वाचनी समावेश रे संबोधित करथिबा बेले समग्र मोदी संप्रदाय को बदनाम करी कहथिले जे समस्त चोरों नाम मोदी काहेकि। यहापर राहुल गांधी को मानहानि मामला रे 4 वर्ष पर मार्च 23 सूरत निम्न अदालत दोषी सब्यस्त करी 2 वर्ष दंडादेश सुनाई थिले। 24 मार्च राहुल को संसद सदस्यता बातिल हेला। राहुल कोर्ट रे दोषी सब्यस्त हेबा परे लोकसभा सचिवालय द्वारा तांकर संसद सदस्यता बातिल करा जाइथला। राहुल केरल रो वायनाड रो सांसद थिले। वास्तव रे लोक प्रतिनिधि अधिनियम रे एक व्यवस्था अछि जे जदि कोनोसी मामला रे जने सांसद एवं विधायक को 2 वर्ष किंबा ताठारु अधिका दंड दिया जाए तेबे सेमानकर सदस्यता बातिल हेबो। केवल एतिकि नहि, दंड अवधि समाप्त हेबा परे मध्य सेमाने 6 वर्ष पई निर्वाचन लड़ाक अयोग्य होइथांती। 20 एप्रिल राहुल गांधी निम्न अदालतर निष्पत्ति विरोध में सूरत सेसन कोर्ट को मामला स्थानांतर करथिले। सांसद तथा देशर द्वितीय बृहत्तम राजनैतिक दलर पूर्वतन सभापति राहुल गांधी अधिक सतर्क होगा उचित बोली कही सेशन कोर्ट राहुल को आवेदन को खारज कर देते। 25 एप्रिल राहुल गांधी निम्न अदालत निष्पत्ति उपरे रोक लगाइबा को हाईकोर्ट को निवेदन करते। 7 जुलाई मोदी सरनेम मानहानि मामलें गुजरात हाईकोर्ट एक दंडादेश रोक लगाइबा को मना कर देते। सहित राहुल गांधी करवेदन कोर्ट प्रत्याख्यान करते। निम्न अदालत निष्पत्ति को हाईकोर्ट समर्थन करते। 15 जुलाई मोदी उपनाम मामलें दंडादेश विरोध में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थे। शेष 4 अगस्त सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को आश्वस्ति देती दंडादेश रहितादेश जारी कर। स्वतंत्र उपस्थापना को यही रखुचु। नमस्कार।